The Arawaks used gold for ornaments, but they did not attach the value to the metal that the Europeans did. Arawaks जो थे वो ornaments जो है gold के पहनते थे, लेकिन उनको जो है gold की इतनी value नहीं थी, उनको metal से कोई लगाव नहीं था जितना Europeans को था. They were quite happy to exchange gold for glass beads brought by the Europeans because these seemed so much more beautiful. उन्हें खुशी होती थी कि अगर जो है यूरोपियंस उनको ग्लास बीट देते थे और बदले में उनसे जो है गोल्ड लेते थे तो उन्हें उसके अति खुशी होती थी क्योंकि उनके लिए ग्लास बीट्स जो है वो कहीं ज्यादा सुंदर होती थी. द आर्ट ऑफ वीविंग वाज हाईली डेवलप्ड. द हैमॉक वाज वन ऑफ देयर स्पेशलिटीज एंड वन व्हिच कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द यूरोपियंस. ये जो बुनने की कला है ये वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप थी और जिसमें झूला बुनना जो है खासियत थी उनकी. इस झूले बुनने की जो खासियत थी इसको जो है यूरोपियंस के एक तरह से माइंड पे वो हावी होने लग गई थी. द अरावक्स वर जेनरस एंड वर हैप्पी टू कोलैबोरेट विद द स्पैनिश इन देयर सर्च फॉर गोल्ड. अरावक्स जो है वो काइंड हार्टेड थे, अच्छे लोग थे और उन्हें खुशी होती थी कि उन्होंने जो है स्पैनिश लोगों की मदद करी ताकि वो जो है गोल्ड को ढूंढ सके. इट वॉज वेन स्पेनिश पॉलिसी बिकम ब्रूटल दैट दे वर फोर्स टू रेसिस्ट. अब जो स्पेनिश पॉलिसी थी जब वो काफी क्रूअल होने लग गई तो उन्हें जो है मजबूरी में पीछे थोड़ा सा हटना पड़ा. पर दिस वाज टू हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस फॉर देम. पर इससे उनके लिए काफी भयावह परिणाम हुए. विद इन 25 इयर्स ऑफ कांटेक्ट विद द स्पैनिश वेरी लिटिल रिमेंड ऑफ द अरावक्स और देयर वे ऑफ लाइफ. अब क्योंकि पिछले 25 सालों से अरावक्स जो है वो स्पैनिश लोगों के कॉन्टेक्ट में थे, इस वजह से उनका अपना जो अरावक्स का जो एक पहचान वो काफी कम रह गई थी और उनका जो रहन सहन था वो भी जो है बहुत हद तक कम हो गया था. People called the Tupinamba lived on the east coast of South America and in villages in the forest. जो लोग Tupinamba के नाम से जाने जाते थे वो साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे रहते थे या जंगलों के जो गांव होते हैं उनमें रहते थे. The name Brazil is derived from the Brazil wood tree. ब्राजील का जो नाम है वो ब्राजील वुड जो पेड़ होता है उससे निकला है. They could not clear the dense forest for cultivation as they had no access to iron. अब वो जो इतने घने जंगल थे उसको खेती बाड़ी के लिए नहीं काट सकते थे, साफ कर सकते थे क्योंकि उनकी जो आयरन से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था. मतलब उन्हें आयरन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मेटल के बारे में कुछ पता ही नहीं था. But they had a healthy and plentiful supply of fruits, vegetables and fish and so did not have to depend on agriculture. और वो लोग जो है काफी स्वस्थ थे, उनके पास खूब सारी सप्लाई थी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फिश की, क्योंकि वो उन्हीं जंगलों में रहते थे इसलिए वो जो है खेती बाड़ी पर निर्भर भी नहीं थे. The Europeans who met them envied them their happy freedom with no king, army or church to regulate their lives. अब जो Europeans उनसे मिलते थे उन्हें एक तरह से जलन होती थी उनके ऐसे फ्रीडम से जिसमें वो काफी खुश हैं, आजाद हैं, क्योंकि ना तो उनके ऊपर कोई राजा है रूल करने के लिए, ना आर्मी है, ना चर्च है जो उनकी जिंदगी को कंट्रोल करे या चलाए. द सेज सिस्टम ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. इन कॉन्ट्रास्ट टू द कैरिबियन एंड ब्राजील देयर वर सम हाईली ऑर्गेनाइज स्टेट्स इन सेंट्रल अमेरिका. अगर हम ब्राजील और कैरिबियन की बात छोड़ दें तो कुछ बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज लेवल पे स्टेट्स थे सेंट्रल अमेरिका के अंदर. There were a generous surplus of corn which provided the basis for the urbanized civilizations of the Aztecs, Mayas and the Incas. अब कुछ जो corn की supply थी वो इतनी अच्छी मात्रा में थी कि जिसकी वजह से जो Aztec, Maya और Incas की जो civilizations थे यानी कि जो शहरी विकास था वो जो है काफी फल फूल रहा था. The monumental architectural remains of these cities continue to mesmerize visitors today. और खास तौर से इनकी जो इमारतें थी, जो आर्किटेक्चुरल इमारतें बनी हुई है, जो अवशेष मिले हैं उससे जो है विजिटर्स काफी प्रभावित होते हैं. द एस्टेक्स इन द 12th सेंचुरी द एस्टेक्स हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द नॉर्थ इनटू द सेंट्रल वैली ऑफ मैक्सिको. 12th सेंचुरी में एस्टेक्स जो है वो माइग्रेट कर गए नॉर्थ से सेंट्रल वैली में मैक्सिको की, नेम्ड आफ्टर देयर गॉड मैक्सिटिली. अब इनका ये जो मैक्सिको नाम है ये पड़ा है उनके गॉड के नाम पे मैक्सिटिली के. They expanded their empire by defeating different tribes who were forced to pay tribute. अब इन्होंने जो है अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया और बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उनको हरा के जो उनको मजबूरी में अब उनको सम्मान दे रही थी. Aztec society was hierarchical. ये जो Aztec society थी ये rank based थी यानी hierarchical चल रही थी. The nobility included those who were nobles by birth, priests and others who had been awarded the rank. जो नोबिलिटी थी उसमें वही लोग शामिल थे जो या तो बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुए हों या पादरी हों या फिर जिनको एक ऊंचा औहदा दिया गया हो. द हेरिडिटरी नोबिलिटी वाज अ स्मॉल माइनॉरिटी हु ऑक्यूपाइड द सीनियर पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, द आर्मी एंड द प्रीस्टहुड.
ये जो हेरिडिटरी नोबिलिटी थी यानी ये जो रैंकिंग के बेस पे जो नोबिलिटी थी ये बहुत कम थी क्वांटिटी में. इस वजह से जो ऊंची ऊंची पोजीशंस थी गवर्नमेंट में आर्मी या प्रीस्टहुड में इन्होंने उनको हथियार रखा था. द नोबल्स चोज अमंग फ्रॉम अमंग देम अ सुप्रीम लीडर हु रूल्ड अंटिल हिज डेथ. अब ये जो नोबल्स थे ये आपस में से ही एक अपना एक लीडर चुन लेते थे जो कि तब तक रूल करेगा जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती. द किंग वॉज रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सन ऑन अर्थ. एक तरह से जो राजा था उसको ये माना जाता था कि धरती पे वो एक सूरज का प्रतिनिधित्व कर रहा है. वॉरियर्स प्रीस्ट एंड नोबल्स वर द मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप्स बट द ट्रेडर्स ऑल्सो एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस एंड ऑफन सर्व द गवर्नमेंट एज एम्बेसडर्स एंड स्पाइस. जितने भी लड़ने वाले लोग थे वॉरियर्स होते हैं जो वो थे जो युद्ध में लड़ने जाते हैं पादरी हो गए या जो नोबल्स थे ये सब जो है बहुत इज्जतदार ग्रुप्स को बिलोंग करते थे. उसमें से कुछ व्यापारी भी ऐसे थे जो काफी ज्यादा सुविधाएं उठाते थे इंजॉय करते थे साथ ही साथ वो गवर्नमेंट्स में जो है अम्बेसडर की तरह राजदूत की तरह या फिर जो है एक तरह से स्पाइस यानी कि जो खुफिया लोग होते हैं उनका काम करते थे. टैलेंटेड आर्टिसंस फिजिशियंस एंड वाइस टीचर्स वर आल्सो रिस्पेक्टेड. जो काफी कारीगर थे फिजिशियंस थे या जो टीचर्स ऐसे थे जो काफी समझदार थे उनकी भी बहुत इज्जत करी जाती थी. सिंस लैंड वॉज लिमिटेड द एस्टेक्स अंडरटुक रिक्लेमेशंस. अब क्योंकि जो जमीन थी वो बहुत कम थी इसलिए जो एस्टेक्स थे उन्होंने जो है जमीन को बुनना शुरू किया. कैसे? दे मेड चिनम्पास आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन लेक मैक्सिको बाय वीविंग ह्यूज रीड मैट्स एंड कवरिंग देम विद मड्स एंड प्लांट्स. उन्होंने क्या किया चिनम्पास बनाए एक तरह के आर्टिफिशियल द्वीप होते हैं उन्हें तैयार किया मैक्सिको लेक के अंदर जहां उन्होंने बड़ी बड़ी घास से जो है वो मैट्स बनाए और फिर उनको मिट्टी और पेड़ों से ढक दिया. Between these exceptionally fertile islands, canals were constructed on which in 1325 was built the capital city of Tenochtitlan. अब ये जो एक तरफ बहुत ज्यादा उपजाऊ द्वीप बन रहे थे वही कैनाल्स भी बनाई गई जिसमें 1325 में वहां पर कैपिटल सिटी बनी Tenochtitlan. Its palaces and pyramids rose dramatically out of the lake. एक तरह से उस लेक के बीचों बीच से जो पैलेसेस थे या पिरामिड्स थे वो खड़े हो गए थे. Because the Aztecs were frequently engaged in war, the most impressive temples were dedicated to the gods of war and the sun. क्योंकि Aztecs जो थे, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह में engaged रहते थे, इस वजह से उनके जो भी temples बने जो काफी प्रभावशाली थे, उन्होंने जो है उनको dedicate किया था अपने जो gods थे war के और sun को. The empire rested on a rural base. ये जो पूरा साम्राज्य था, ये एक तरह से गांव के उस पे based था. People cultivated corns, beans, squash, pumpkins, manioc roots, raw potatoes and other crops. ये लोग जो यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे उसमें वो corns, beans, squash, pumpkin, manioc root, potatoes और बाकी तरह के crops को उगाते थे. Land was owned not by individuals but by clans which also organized public construction works. अब ये जो लैंड थी ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा रूल नहीं करी जाती थी ओन नहीं करी जाती थी बल्कि ये ग्रुप द्वारा ओन करी जाती थी और जो जो ग्रुप्स थे वो जैसे पब्लिक से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है उनको ऑर्गेनाइज कराती थी. पीजेंट्स लाइक यूरोपियन सर्व्स वर अटैच्ड टू लैंड्स ओन्ड बाय द नोबिलिटी एंड कल्टीवेटेड देम इन एक्सचेंज फॉर द पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट. अब जो कुछ लोग ऐसे थे जैसे जो यूरोपियन सर्व्स जैसे कि जो यूरोपियन लोगों में गुलामी का काम करते थे वो जो है इन लैंड से अटैच होते थे जो नोबिलिटी द्वारा ओन करी जाती थी और फिर उनकी ही जमीनों पर वो खेती बाड़ी करते थे जिसके बदले में उन्हें कुछ पार्ट मिलता था जो भी फसल पकती थी उसका. द पुअर वुड समटाइम्स सेल देयर चिल्ड्रन एज स्लेव्स बट दिस वाज यूजुअली ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड द स्लेव्स कुड बाय बैक देयर फ्रीडम. जो गरीब लोग थे वो कई बार अपने बच्चों को भी जो है एक तरह से गुलाम के तौर पर बेच देते थे पर ये जो है बहुत थोड़े समय के लिए होता था और फिर दोबारा वो जो गुलाम है अपने बच्चों की आजादी खरीद सकते थे. द एस्टेक्स मेड श्योर That all the children went to school. अब Aztecs जो है इस बात का ख्याल रखते थे कि सारे बच्चे जो है वो स्कूल जाएं. Children of the nobility attended the Kalmykak and were trained to become military and religious leaders. Basically ये जो बच्चे थे nobility के इनको स्कूल जाना जरूरी था और साथ ही साथ जो है इनकी ट्रेनिंग होती थी कि ये मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स बन सके इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता था. All others went to the Tepo Chali in their neighborhood where they learned history, myths, religion and ceremonial songs. बाकी जो और थे वो
वो टीपू चली जाते थे जहाँ पर वो अपने जो पड़ोस के उसमें ही होता था, जैसे जो एस्टेक के बच्चे हैं वो तो कैलमी कैक में जा रहे हैं, बट जो बाकी लोग थे वो टेको चैचली में जाते थे, उनके जो पड़ोस में होता था वहाँ वो हिस्ट्री सीखते थे, मिथ सीखते थे, रिलीजन सीखते थे, और यानी कि जो ओकेजनल जो सेरेमनीज पे गाने गाए जाते हैं उनको सीखते थे। बॉयज रिसीव मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड्स। जो बॉयज थे उनको जो है मिलिट्री में ट्रेनिंग मिलती थी, साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है एग्रीकल्चर और ट्रेड में भी दी जाती थी। गर्ल्स वर ट्रेन इन द डोमेस्टिक स्किल्स, जबकि गर्ल्स को जो है वो घर के कामों में जो है ट्रेन किया जाता था। इन द अर्ली 16th सेंचुरी द एस्टेक एम्पायर वाज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेन। अर्ली 16th सेंचुरी में, यानी कि जो शुरुआत हुई 16th सेंचुरी की, तो ये जो एस्टेक साम्राज्य था अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा तनाव के माहौल की जैसे साइंस जो होते हैं वो दिखाई दे रहे थे। दिस वॉज लार्जली टू डू विद द डिसकंटेंट अमंग रिसेंटली कॉन्कर्ड पीपल्स who were looking for the opportunities to break free from the central control. ये इस वजह से हो रहा था कि अभी बहुत ही recent उसमें जिन लोगों के ऊपर कब्जा किया गया होगा वो लोग इतने ज्यादा सहमत नहीं थे और वो लोग जो है मौके ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से इस कंट्रोल से छूट के हम हट सकें। ये थी एस्टेक्स की।